हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है स्नेक्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको 6 ऐसे सांपों के बारे में बताऊंगी जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांप हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 6 नंबर पर सांप आता है वो है ब्लैक मांबा, जिसे डेंजरस अफ्रीकन स्नेक भी कहा जाता है। यह सांप अफ्रीका में पाया जाता है। यह ज़्यादातर पत्थरों और रेत में छिपा रहता है। यह सांप बहुत ही जहरीला भी है। इसका आकार बड़ा और ये काफ़ी फुर्तीला होता है। यह सांप बहुत गुस्से वाला और बहुत ही ख़तरनाक भी है। इसका नाम ब्लैक मांबा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर का सारा मुंह काले रंग का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसके अंदर का सारा मुंह काले रंग का है और ये इसका जहर भी बहुत ख़तरनाक होता है। इस सांप का रंग जो है वो ग्रे और डार्क ब्राउन होता है और इसके मुंह के अंदर एक नाली सी बनी होती है जिससे वो अपने शिकार को निगलते वक्त सांस ले पाता है। 5वें नंबर पर जो सांप हमारे पास आता है वो है वूम स्लैंग। यह दुनिया के खतरनाक सांपों में से एक है। यह सांप अफ्रीका में बहुत पाया जाता है। यह ज़मीन पर कम और पेड़ पर ज़्यादा रहना पसंद करता है। यह अपने आगे के शरीर को लंबा खींचकर अपने शिकार को झपट लेता है। यह सांप देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी होता है। यह सांप अपने शिकार को तब तक डसता रहता है जब तक कि इसका सारा जहर शरीर में यह डाल नहीं देता। और ये सांप दूसरे सांपों की तरह ही अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल लेता है। बूम स्लैंग को ट्री स्नेक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ों पर रहता है। इसे ज़मीन पर रहने में काफ़ी डर लगता है, तो अपने बचाव के लिए यह ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहता है। 4थे नंबर पर जो स्नेक हमारे पास है वो है सॉ स्केल्ड वाइपर। आप देख सकते हैं इसके शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स बने होते हैं। यह सांप भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है। यह सांप आकार में छोटा होता है मगर उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी होता है। यह सांप अगर किसी को एक बार डस ले तो उसका बचना नामुमकिन है। यह सांप बाकी सांपों से बहुत खतरनाक माना जाता है। यह सांप अगर किसी को काट ले तो 75 मिनट के अंदर अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। इस सांप का जहर शरीर में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसे सॉ स्केल्ड वाइपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर पर अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख ही सकते हैं कि इसके पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं। 3रे नंबर पर जो स्नेक है वो है बैंडिट ग्रेट। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह सांप दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। बैंडिट ग्रेट, यह सांप कोबरा की प्रजाति का ही सांप है। यह सांप बहुत ही खतरनाक है और इसके शरीर पर तिकोनी धारियां बनी होती हैं। इस सांप की जहर इतनी भयानक होती है कि इसके एक बार से ही इंसान कोमा में चला जाता है क्योंकि यह सीधा हमारे दिमाग पर हमला करती है। कभी कभी इसके डसने से इंसान पैरालाइज्ड भी हो जाता है। पैरालाइज्ड मतलब किसी भी इंसान के शरीर में अगर जहर चला जाए तो उसका कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है। 2रे नंबर पर हमारे पास आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। किंग कोबरा, यह सांप दुनिया का सबसे लंबा सांप और बड़ा सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 19.2 फीट है। इस सांप का जहर इतना ताकतवर और ख़तरनाक होता है कि यह सिर्फ कुछ घंटों में ही एक हाथी की जान ले सकता है। यह सांप का जहर भी हमारे दिमाग पर हमला करता है जिसके कारण 50 से 60% लोगों की जान चली जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह सांप 19.5 फीट लंबा सांप है।
इस इंसान के कद से भी बहुत ज़्यादा। यह सांप भी हमारे शरीर को पैरालाइज्ड कर देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया ही है कि पैरालाइज्ड का मतलब होता है कि अगर इसकी जहर आपके शरीर में चली जाती है तो आपका किसी भी शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। पहले नंबर पर जो सांप है वो है इनलैंड ताइपैन। यह सांप दुनिया का सबसे पहले नंबर पर आने वाला खतरनाक सांप है। यह सांप हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनलैंड ताइपैन यह सांप विश्व का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। यह सांप हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। इसकी जहर हमारे शरीर को पैरालाइज कर हमें सांस लेने में तकलीफ़ पैदा करती है, हमारी मांसपेशियों को डैमेज कर देती है। इसे सांपों में से सबसे तेज सांप माना जाता है। इस सांप को वेस्टर्न ताइपन के नाम से भी जाना जाता है और ये हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्लैक नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक कलर होता है। इसका एक टंग 100 लोगों को ख़त्म कर सकता है और 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर इंसान को मार डालता है। तो ये थे दुनिया के वो 6 सांप जिनसे हमें बहुत बचकर रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपकी नॉलेज को इनक्रीज़ करने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।